الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وفده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سي بخاري كتاب الأيمان والنذر حديث نمبر 6689 عن علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى सही बुखारी में अलकमा बिन वक्कास अल-लैथी से मरवी है कि वो कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कि वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यकीनन अमाल नियत के साथ है, यकीनन हर आदमी के लिए वही है जो उसने नियत की। अलकमा बिन वक्कास कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि वो कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि यकीन आमाल नियत के साथ है, यकीनन हर आदमी के लिए वही है जो उसने नियत की। इस हदीस में चंद फ़वाद हैं। पहला फ़ायदा ये है कि हर शरई अमल के लिए नियत शर्त है, यानी हर नेक अमल के लिए शरीयत का हर नेक अमल के लिए नियत का होना शर्त है। बग़ैर नियत के कोई भी शरई अमल दुरुस्त नहीं हो सकता, वो सलात हो या सौम हो या कुर्बानी हो वग़ैरह। नेक अमल के लिए नियत शर्त है। दूसरा फ़ायदा ये है कि नियत की दुरुस्ती से मुराद, नियत के दुरुस्तगी से मुराद नेक काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए, उसकी रज़ा के लिए, यानी हर वो नेक काम करना मकसद ये हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। नेक काम करने का मकसद सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह खुश हो जाए। किसी दूसरे के खौफ से किसी दूसरे को दिखाने के लिए या किसी दूसरे को खुश करने के लिए या लोग मेरी तारीफ कर ले, लोग मेरे तारीफ़ करें इसलिए, या लोग मुझे अच्छा कहें इसलिए, ऐसा काम करना ये अच्छी नियत नहीं है, ये नियत की दुरुस्तगी नहीं है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि हर आदमी को उसकी नियत के मुताबिक अजर और सवाब मिलेगा। अच्छी नियत के लिए अच्छा बदला मिलेगा, यानी अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है या सियाम यानी रोज़ा रखता है या कुर्बानी करता है, कोई भी नेक अमल करता हो लेकिन सिर्फ़ अल्लाह के लिए, सिर्फ़ अल्लाह के लिए, अगर उसकी नियत ये हो कि मैं जो भी नेक अमल कर रहा हूँ वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, अगर अल्लाह के लिए वो सिर्फ़ करता है तो अच्छा बदला है उसके लिए। अगर उसकी नियत ये हो कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे या मुझे ताकत मिलेगी या मैं दुबला हो जाऊंगा या मेरा कुछ जिस्मानी लिहाज से कुछ फ़ायदा होगा या लोग मेरी तारीफ़ करेंगे या लोग, अगर मैं अच्छी से लंबी से नमाज़ पढूंगा, क़याम करूंगा, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, अगर ये उसका मकसद हो, ये बुरी नीयत है और इसका बदला भी बुरा ही है, क्योंकि इसको रिया कहा जाता है, रियाकारी कहा जाता है। और नियत का शरई माना यह है कि अल्लाह की इताअत का इरादा, अल्लाह की इताअत का इरादा अल्लाह की रज़ामंदी के हुसूल के खातिर नियत का शरई माना है। तो खुलासा कलाम ये है कि हर आदमी को हर नेक अमल करने के लिए नियत का होना शर्त है। शरई नियत का वक्त कब है? अब नियत का वक्त कब है, एक सवाल होता है। इसका जवाब यह है कि इबादत या नेक काम से पहले, इबादत हो या कोई भी नेक काम कह लें, नेक काम से पहले शरई नियत होती है, यानी नमाज की नियत नमाज से पहले और सौम की नियत सौम से पहले।
ये आदमी अब नमाज़ पढ़ रहा है, दो रकत नमाज़ पढ़ रहा है, उसकी नियत उससे पहले होगी। नमाज शुरू करने के बाद नियत नहीं होती, यानी अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए, उसके बाद दिल में इरादा करना कि मैं अब सुन्नत नमाज़ पढ़ रहा हूँ या मैं अब जोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नियत अब नहीं होती, बल्कि नियत काम से पहले होती है, काम के शुरू होने के बाद नियत नहीं होती। तो ख़ुलासा कलाम ये है कि आदमी के लिए चाहिए कि आदमी हर नेक अमल से पहले नियत करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए नियत करें, हर नेक काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही इल्म हासिल करने की तौफीक दे और नियत को सही समझने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान करीम करीम।